वंदे मातरम साथियों साथियों, आज एक परजीवी के बारे में मुझे बात करनी है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरी बुराई करके अपनी दुकान चलाना चाहता है, तो उस बेचारे के सामान बिक नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसकी मदद करें, क्योंकि वो मेरी खूब बुराई कर रहा है, इधर उधर ये कर रहा है। और मैं बता दूं कि इस व्यक्ति ने गोधुली के नाम से हमारी एक नकलची दुकान खोली हुई है। तो एक ऐसा परजीवी है जो दूसरों की सफलताओं पे जीता है। तो ये बेचारा जो है, इसका सामान बिक नहीं रहा और इसने गुणवत्ता जैसी मर्जी रखी होगी, लेकिन इस बेचारे का सामान ना बिकने के कारण ये पिछले 2 वर्षों से एक प्लानिंग के तहत जो है इसने मेरा प्रयोग किया, जो मुझे बाद में पता चला कि ये इस कारण से कर रहा है। तो मैं हरिद्वार में जा रहता हूँ। इस व्यक्ति ने बहुत प्रेम से मुझे बोला कि मेरे घर में जगह खाली है, आप यहाँ पर रेंट पे आइए रहिए। तो मुझे नहीं पता था कि किस लिए मुझे बुला रहा है। तो इसके घर में एक दुकान खाली थी। तो ये आने के बाद लगभग 1 साल बाद इसने मुझे अच्छी मित्रता बनाई। और आप लोगों ने इस व्यक्ति को देखा होगा जो और भाई क्या हाल है करके जो वीडियो आते थे, तो अब उन वीडियो में मेरे साथ एक्टिंग करके इसने जो है अपने चेहरे का प्रचार किया। और उसके बाद ये व्यक्ति बेचारा जो है, इसके जो है वर्क फ्रॉम होम में कुछ परेशानी से आई होगी पैसे की। तो इस बेचारे ने क्या किया कि मेरे ही गोधुली के नाम से अपने घर में एक मिठाई की दुकान और सब खोल ली। और मैंने इसको बोला कि भाई नाम आप कुछ और रख सकते हो, लेकिन कहा नहीं मैं यही रखूंगा। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा एक घर में रह रहे हैं, अच्छा व्यक्ति है, राष्ट्र का काम कर रहा है, तो कर ले। अब क्या हुआ कि धीरे 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 1 वर्ष 1.5 वर्ष बीता, इसकी दुकान नहीं चल रही। तो इसने अंत में क्या करना शुरू किया कि जैसे आज एक मैसेज मेरे पास आया, तो कुछ दिनों पहले, ये थोड़ा आर्य समाजी है और ये आर्य समाजी बहुत अच्छे लोग होते हैं कई सारे, लेकिन ये विकृत वाला आर्य समाजी है। अपने नाम के पीछे भी आर्य लगाता है, वो खुद ही लगाता है, बाकी आर्य वाले कोई काम तो इसने किए नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसने गोधुली के नाम से नकलची दुकान खोल ली। अब गुणवत्ता जैसी मर्जी कर रहा था, लेकिन जो मुझे जानते थे, जो उनको लगता था कि ये हमारी ब्रांच है, हमारी ब्रांच समझ के लोग इसे सामान खरीदते हैं, तो उनको ये भ्रम में रखता है कि ये मैं वीरेंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे दम पे इसका काम चल रहा था, हमारी ही इसने नकल की, वो हमारी सफलता का भी सूचक है। हमने फिर भी इसको कुछ नहीं कहा, मगर अपने अपने भाग्य का सब करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने जब देखा कि मेरा सामान नहीं बिक रहा है, गोधुली नाम रखने के बाद भी नहीं बिक रहा है, तो इस व्यक्ति ने, मैं इसके घर में रेंट पे रह रहा था, उसका फायदा उठाया कि इसने मेरी फोटो अपनी वीडियो में डालकर बुराई करनी शुरू कर दी कि ये तो गांधीवादी है, मैं तो गोडसे का भक्त हूँ, ये सब करके शुरू कर दिया। तो मैंने इसको बोला, अभी लगभग मैं अब खाली कर चुका हूँ इसके वहां से, अब मैं, क्योंकि इसने कुछ बदतमीजी कर दी थी इसलिए। तो ये बेचारा जो है, आज इसने एक मैसेज भेजा किसी को, तो कि कुछ दिन पहले एक 2 टके के गांधीवादी कवि कुमार विश्वास ने एक मंच से गांधी को महान सिद्ध करने का प्रयास किया, उसके घटिया प्रयास को आगे बढ़ाया राजीव दीक्षित के एक भक्त डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने, जो गोधुली परिवार के नाम से एक वेबसाइट भी चलाता है। इन गांधीवादियों ने कितना भ्रमित किया है हिंदुओं को, आज भी कर रहे हैं। गांधीवाद वामपंथ का ही रूप है, पहचानो इन्हें, इन्हें ऊपर मत उठाओ, इन्हें ऊपर मत उठने दो, ये नीचे रहेंगे तो धर्म व राष्ट्र गांधीवाद से सुरक्षित रहेगा, जान हथेली पर रखकर जिस राष्ट्रभक्त। तो इस तरह के मैसेज अपना नीचे अष्टांग योग की कक्षाएं लेता है। अब अष्टांग योग जो इस व्यक्ति लोग सीख रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि बेचारे को थोड़ा सा और इसको पैसे दे दिया करो, जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाए। तो ये अपने आप को, मतलब मैं गांधीवादी नहीं हूं, मुझे गांधी जी में जो अच्छी चीजें लगती हैं मैं वो ग्रहण कर लेता हूँ, मैं गोडसे में जो अच्छी चीजें वो ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन मैं मरने मारने पर उतारू नहीं होता कि गोडसे को किसी ने क्यों कह दिया। ये गांधी जी को दिन रात गाली निकालते हैं, हमें इतने से भी फर्क नहीं पड़ता, निकालते रहिए। लेकिन ये व्यक्ति ने अब क्या करना शुरू किया कि अभी मैं 15 जनवरी की बात बता रहा हूँ, कि व्यक्ति ने जो एक कुमार विश्वास का एक वीडियो था जिसमें वो इसको गोडसे को नपुंसक बोलता है, अब उस कुमार विश्वास ने उसमें बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें बोली थी, लेकिन इस व्यक्ति को उसमें केवल गोडसे को नपुंसक कहने वाली बात जो है वो पकड़ में आई इसके, और इसने कहा कि आपने क्यों प्रचार किया, इसके लिए पब्लिकली माफी मांगो। मैंने कहा भाई आप मत सुनो उस वीडियो को, मैंने तो किसी और कारण से भेजा था। तो इसने फिर अपने वीडियोज में मेरा फोटो डाल के कि ये, तो अब इसको मुझे बाद में समझ में आया कि ये खेल इसने क्यों किया। इसने मुझे अपने घर में भी इसलिए बुलाया कि जिससे कि मेरे नाम का प्रयोग करके ये अपनी गोधुली का जो नकलची इसने खोला है दुकान, उसका प्रचार कर सके बेचारा। और उसके बाद वीडियोस में भी जो मेरे साथ एक्टिंग करी वो भी इसी का एक हिस्सा था।
अब जब इसको देखने लगा कि मेरा सामान फिर भी नहीं बिक रहा, तो इसने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया और मुझे गांधीवादी साबित करके कि इससे सामान मत खरीदो, बेचारे का सामान नहीं बिक रहा तो मुझे गाली निकालेगा, तो ये चाह रहा है कि मैं इस बेचारे पे वीडियो बनाऊं जिससे कि मेरे चैनल में इसको सुनता कोई नहीं है, इसके वीडियो पे कुछ 100-200 लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो बेचारे जो जो स्टूडेंट इसको गुरुजी समझते हैं। तो अब मैंने फिर भी कहा भाई तुम्हें अपना सामान बेचना है तो सामान बेचो, ये गांधीवादी है इसलिए इसको ऊपर मत उठने दो, और तुम्हें अपना सामान चलाना है, तुम मतलब ये चाहता है कि गोदली हमारी बंद हो जाए इसी का सामान बिके। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा भी बिके, तुम अच्छी क्वालिटी का रखो तो हम अच्छी क्वालिटी हमारा बिके। लेकिन अंत में वही बात है कि मैं कभी इस विषय का वीडियो बनाता नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने अब मतलब ये अति जब करी, जब 15 जनवरी के दिन उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी की मैंने, वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है मैंने करने के बाद उसमें ये मैंने इसको बोला कि भाई तुम मेरा फोटो अपने वीडियो में मुझसे पूछे बिना क्यों डालते हो। तो इसने बोला मेरा नैतिक अधिकार है आपका वीडियो डालना, आपका उदाहरण देकर मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूं। अरे मैंने कहा भाई तो मेरा वीडियो के बिना तुम्हारा वीडियो को देखता नहीं है क्या? कहते नहीं मैं तो डालूंगा। तो फिर मैंने भाई तुम तो गोडसे के बड़े भक्त हो, तो मैंने तो इसने गोडसे का कुछ सुन के मैंने बोला कि भाई तुम्हारा गोडसे वगैरह ये सब तुम यार साइड में जाने दो, मतलब तो एक दो गुस्सा कर मेरा हाथ उठ जाएगा। तो मेरा बच्चा मेरे साथ खड़ा था, ये व्यक्ति जो है खुद इसका परिवार तो जैसे भी होगा, लेकिन ये व्यक्ति ने मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास करने लगा तो लोग उसे पकड़ने लगे, मैं वहीं खड़ा रहा। तो इस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत की और उसका मुझे मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी, मैं साझा करूंगा आप सबसे कभी। तो मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब इसके घर में नहीं रहना है अगर इसने, क्योंकि हम लोग गवे बेटा एक मिनट बंद करो आवाज मत करो। तो मैंने जो है इसको इसने मुझ पे जब हाथ उठाने का प्रयास करने लगा तो मुझे अपने बच्चा मेरे साथ खड़ा था तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसके साथ झगड़ा करके बातें दूसरी दिशा में चली जाएंगी। तो मैंने कहा कि किसी और तरीके से इसको, इस बेचारे ने जो बाहर बोर्ड पे फोटो लगाई हुई वो भी मेरी खींची हुई लगाई हुई है, मुझसे मांगी थी किसी और काम के लिए, लगा दी उसका बोर्ड बना के। अब ये जो जिस तरह के लोग हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बेचारे का नंबर मैं आपको बताया तो बेचारा अब नंबर सर्कुलेट अपना मैसेज सर्कुलेट करता है मेरा नाम ले लेके, जैसे कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो इसकी गरीबी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और ये मतलब सामान तो जैसे मर्जी बेचता है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि वीरेंद्र जी हम तो आपकी ब्रांच समझ के इससे खरीद रहे थे, ये अष्टांग योग की कक्षाएं लेते हैं। तो ना अष्टांग योग वाला व्यक्ति जो है वो इतना सिर्फ गांधी गोड़ से में क्यों फंसा हुआ है? इनकी आधी ताकत जाती है मुसलमानों का विरोध करने में, आधी ज्यादा ताकत जाती है हम जैसे, ये मुझ जैसे एक राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के लिए काम करने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाए, काहे का अष्टांग योग सिखाता मुझे समझ में नहीं आया। तो साथियों मैं आपसे चाहता हूं, इसका नंबर है 9654992445 और ये इसका जो है गोदली आहार के नाम से इसने खोला हुआ है और इसका कुछ सामान वान खरीद लो। वैसे क्वालिटी वगैरह मुझे नहीं पता क्या है इसकी क्वालिटी, हमने तो इसके घर में रहते थे तो इसका दूध भी नहीं खरीदते थे हम तो दूध भी 80 रुपए लीटर देसी गाय का लेके आते थे, ये पता नहीं कैसी गायों का लेके आता, तो मुझे विश्वास नहीं था इसके ऊपर। हमने फिर भी इसको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी गरीबी थोड़ा दूर कर दो। इसका नाम दिव्य प्रकाश आर्य है और ये दिव्य प्रकाश आर्य तीनों नाम जो है ना तो आर्य है, ना इसमें कोई दिव्यता है, ना इसमें प्रकाश है, अंधकार से भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं कि खुद के काम को बढ़ाकर, तुमने गोदरी नाम रख लिया था तो उस नाम को बड़ा करो ना, तुमको मेरी बुराई करके या मेरे बारे में ऐसे सर्कुलेट करके अपना प्रचार करना चाह रहे हो, जैसे कल को मान लीजिए मोदी मेरा नाम लेके कर दे तो नाम मेरा तो हो जाए, भले वो मेरी बुराई करे लेकिन नाम तो बड़ा हो जाएगा ना। आज इस बेचारे को भी मैं सोचा था तुझे वो मैं दे ही देता हूँ, बेचारे तेरे के सामान नहीं बिखरा तो मैं लोगों को कह ही देता हूँ। तो साथ ही कम से कम इसका थोड़ा सा सामान उमान कुछ कर दो, खरीद लो, बेचारा मुझे गालियां निकालना बंद करे, मेरे बारे में नकारात्मक बोलना बंद करे, मेरे बारे में लोगों को मैसेज भेजना बंद करे। तो ऐसे लोगों को जो है ना थोड़ा मानसिक रूप से ना ये परेशान रहते हैं जब इनको पैसे की कमी हो जाती है, तो ये थोड़ा गरीबी है, परजीवी भी है, दूसरों के सफलता पे जीने वाला है। तो ऐसे लोगों को जो है जो गांधी गोड़ से में फंसा कर हमको बस ये चाहता है कि ये गांधीवादी है इसलिए सामान मत खरीदो। अरे तुम जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के ज्ञानेंद्र जी हैं वो अब ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो गुरुकुल प्रभात आश्रम का जो सामान बनता है वो उस सामान को खरीदने के लिए मैंने से उनका परिचय करवाया ऐसे ही मित्रतावश 1.5-2 साल पहले। अब ये व्यक्ति उनको अलग से फोन करके, हमारे जो बनाते हैं गुरुकुल प्रभात आश्रम के उत्पाद, उनको फोन करके बोलता है कि आप मुझे डायरेक्टली सामान दे दो। तो उन्होंने बोला वीरेंद्र जी से बात कर लो, वो भी तो गुरुकुल प्रभात आश्रम का हमारा काम करते। कहते नहीं आपसे डायरेक्टली लूंगा। तो उन्होंने इसको कह दिया कि भाई ये तो आपका आर्यो वाला आचरण नहीं है,
इसको लगा था कि वो आर्य समाज है, आर्य समाजी है, मैं भी आर्य समाजी हूं, तो वो धोखा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं वीरेंद्र के साथ पारिवारिक परिचय है मेरा, तो तुम ये आर्य वाला आचरण नहीं है तुम्हारा कि तुम किसी मित्र के साथ आए और उस मित्र को धोखा देकर तुम डायरेक्टली सामान खरीदना चाह रहे हो, तो ये नैतिकता नहीं है। तो ये अष्टांग योग की कक्षा है, सौ सौ रुपए घंटा लेके ये सिखाता है, जिसको इतनी कमी है पैसे के बेचारे की। तो इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट कर दो, और ऐसे नहीं तो मुझे गालियां देना बंद करे कम से कम, मेरा और बहुत कामों में ऊर्जा लगनी है, मैं इसके ऊपर ऊर्जा लगाता रहूं तो क्या फायदा। तो मैंने उसी दिन वो घर भी खाली कर दिया जिस दिन इसने मुझसे बदतमीजी की, और मुझे लगा कि अब बातें दूसरी दिशा में चली जाएंगी। तो इसको 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 जो है अभी भी, लेकिन अभी लग रहा है कि अब चला गया वहां से, तो अब मेरी अब मेरा अब मैं इसके बलबूते पे, क्योंकि मुझसे लोग बहुत मिलने आते थे तो इसका सामान भी बिक जाता था। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता था इसका सामान किसी को, लेकिन दुकान खुली लोग देखते थे गोधुली के नाम से है तो खरीद लिया। तो भाई इसका इस व्यक्ति का जो है आप लोगों को नंबर मैंने दे दिया है 9654992445, इसको कॉल करके पूछो भाई कि भाई तेरे को पैसे की हेल्प चाहिए तो हम दे देते हैं, वीरेंद्र भाई को, वीरेंद्र के बिना तेरी को दुकान नहीं चल रही है तो हम तेरे से सामान खरीद लेते हैं। हालांकि इसके सामान की गुणवत्ता का मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि ये जो कुछ भी दे रहा है उसका वो आप खुद देखिएगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था, बाकी इस व्यक्ति पे ज्यादा ऊर्जा मैं खर्च नहीं करना चाहता था, मैंने कहा इस बेचारे का थोड़ा गरीबी दूर हो जाए तो ये कम से कम हमारे काम को बंद करने का जो प्रयास है, मुझे गाली गलौज करने का जो कर रहा है काम, ये वो बंद हो जाए। तो ये, और मैं बता दूं ये उसी परिवार से है जिस परिवार के लड़के ने, जो अभी ये ऋषिकेश में एक लड़की अंकिता भंडारी की डेथ हुई थी, तो उसी परिवार से ये संबंध रखता है उसके, इसके जो परिवार के ही लोग हैं वो, जो विनोद आर्य और स्वदेशी आयुर्वेद वाले जो हैं, तो ये उसी परिवार का व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ परिवार में इस प्रकार का जो है चलन है कि इस तरह की व्यवहार करना, इस तरह की धोखेबाजी करना, ये सब जो है करना शायद व्यवहार में होगा, इसलिए मैं इसको इसकी भी गलती नहीं मानता बेचारे की। तो बस साथियों मुझे इतना ही कहना था, तो आप सभी बाकी खुद समझदार हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये बेचारे जो है इसको थोड़ा सा हमें लगता है मदद करनी पड़ेगी इसकी बेचारे की, इस परजीवी की। वंदे मातरम।